नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि इस मूवी का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस क्या रहने वाला है। वहीं बात करने वाले हैं जो कि भाईजान की फिल्म टाइगर 3 मूवी के थोड़ी सी एडवांस बुकिंग के बारे में, और साथ ही साथ इस मूवी को पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स दिखा रही है, और वहीं दोस्तों पब्लिक रिव्यू कैसा मिल रहा है इस फिल्म को। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सलमान खान की फिल्म जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे जोरदार और सबसे धमाकेदार फिल्म टाइगर 3 मूवी जो कि 12 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का क्रेज और बस जो कि देखा जा सकता है, और इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन बात कर लेते हैं टाइगर 3 मूवी के कुछ कैरेक्टर के बारे में और क्या नया देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों को सबसे पहले बताते चले कि टाइगर 3 मूवी जो कि 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है और स्पाई यूनिवर्स की सबसे धमाकेदार फिल्म है और सबसे भारी भरकम बजट वाली भी फिल्म है टाइगर 3 मूवी। आप लोगों को बताया चले कि टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को सलमान खान तो नज़र आने ही वाले हैं, लेकिन इस बार सलमान खान कुछ डिफरेंट लुक में और डिफरेंट एक्शन करते हुए दिखाई देंगे, और इसी कारण इस मूवी का क्रेज और भी ज़्यादा बना हुआ है। आप लोगों को बताइए चले कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को जो कि एक्शन तो भरपूर देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसका ट्रेलर एक रिलीज किया गया था और इसके ट्रेलर में आप लोगों को सलमान खान की गजब की एक्टिंग और साथ ही साथ कैटरीना कैफ की भी गजब की एक्टिंग दिखाई गई थी। वाकई में कैटरीना कैफ की जो कि टावल फाइट लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और वाकई में हॉलीवुड को टक्कर दे दिया है कैटरीना कैफ ने जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी और जिस तरीके से फाइट दी है। आप लोगों को बताइए चले कि इसी कारण जो कि टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस और भी ज़्यादा बन गया है, और वहीं आप लोगों को बताइए चले कि टाइगर 3 मूवी इसी कारण और भी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि टाइगर को एक बार फिर से लोग बॉलीवुड में जो कि धमाकेदार तरीके से सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं, बॉलीवुड में भी एक बार फिर से टाइगर 3 मूवी का परचम लहराएगा और भाईजान का डंका एक बार फिर से बॉलीवुड में जो कि बजने वाला है। आप लोगों को बताइए चले कि इस फिल्म का क्रेज और भी ज़्यादा इसलिए बना है क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का एक दमदार केमियो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ आप लोगों को बताइए चले कि सलमान खान से जो कि फाइट करते हुए नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी। हालांकि इमरान हाशमी बहुत ही लंबे समय के बाद जो कि बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं, लेकिन जब वो कर ही रहे हैं तो बहुत ही दमदार मूवी के साथ जो कि बॉलीवुड में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं, और वहीं दोस्तों सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को बताइए चले कि इस मूवी में आप लोगों को हो सके तो ऋतिक रोशन भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ नया करने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स वाले। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि स्पाई यूनिवर्स की जो कि यह फिल्म है सबसे दमदार तो रहती ही रहती है, लेकिन यह फिल्म बहुत ही हटके है और बहुत ही डिफरेंट है, और इस मूवी का जो कि क्रेज भी बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बताइए चले कि भाईजान की फिल्म है और इनकी फिल्मों को ऑडियंस देखना भी पसंद करती है, और इसी कारण यह मूवी अपने पहले दिन 80 से 90 करोड़ रुपए की बम्पर ओपनिंग भी लेने वाली है और सारे हेटर्स की बोलती भी बंद करने वाली है। तो दोस्तों आप लोग जो कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पर नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।